किसी घर की नींव अगर कमजोर हो तो उसके ऊपर ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती, ये बात तो आप भी जानते हैं, गिर जाएगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन की नींव है, अगर वो मजबूत है, तो फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मंजिल बनाते जाइए, कोई खतरा नहीं होगा। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएगा, आंधी आएंगी, भूकंप आएगा, लेकिन मजबूत नींव वाली बिल्डिंग गिरेगी नहीं या बहुत कम नुकसान होगा। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं कि आपकी राशि के लिए चंद्र मंगल का ये योग क्या शुभ परिणाम ला रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। चंद्रमा 14 मई की शाम 7:30 बजे लगभग मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 15, 16, 17 तारीख की सुबह लगभग 7 बजे तक यहीं पर गोचर करने वाले हैं। जब भी मंगल और चंद्रमा का मिलन होता है, गोचर में हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में हो, तब महालक्ष्मी योग, कुछ लोग इसको मालामाल योग बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। मंगल पहले से ही मिथुन राशि में है, चंद्रमा गोचर करेंगे, तो मंगल आपको ऊर्जा, साहस, भाई, भूमि, इन सब का कारक ग्रह होता है, तो मंगल आपको पराक्रमी, शौर्यवान, ताकतवर बनाएंगे। चंद्रमा सौम्य है, कोमल है, खूबसूरत है, दिमाग के कारक ग्रह हैं, तो चंद्रमा यात्रा से लाभ दिलवा सकते हैं, सुख संपत्ति आपको दिलवाएंगे, दिमाग और मूड को अच्छा रखेंगे। चंद्रमा मंगल की युति आपके लिए लाभदायक होगी, आपकी राशि के लिए अधिकतर मामलों में लाभदायक होगी। जब भी आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, तो गोचर में कोई भी शुभ योग बने उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को मजबूत रखना चाहिए। किसी घर की नींव अगर कमजोर हो तो उसके ऊपर ज्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी की जा सकती, ये बात तो आप भी जानते हैं, गिर जाएगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली आपके जीवन की नींव है, अगर वो मजबूत है, तो फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक मंजिल बनाते जाइए, कोई खतरा नहीं होगा। मुसीबतें आएंगी, तूफान आएगा, आंधी आएंगी, भूकंप आएगा, लेकिन मजबूत नींव वाली बिल्डिंग गिरेगी नहीं या बहुत कम नुकसान होगा। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। तो आइए शुभारंभ करते हैं कि आपकी राशि के लिए चंद्र मंगल का ये योग क्या शुभ परिणाम ला रहा है। आप लोगों को, जिन भी लोगों को अपना चंद्रमा और मंगल मजबूत करना है, महालक्ष्मी की कृपा पानी है, वो लोग इस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, एक दो उसको करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात करने वाले हैं हम कन्या राशि की। दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं और दशम भाव में ही ये योग बन रहा है। चंद्रमा के साथ मंगल यानी महालक्ष्मी योग, मालामाल योग। आपको पता है चांदी चंद्रमा होती है और मंगल क्या है, वो ईंट का स्वरूप है, जो घर बनाने के लिए ब्रिक रखते हैं। अगर आप लोग इन दिनों में एक चांदी की ईंट, चाहे वो 50 ग्राम की ही क्यों ना हो, अपने घर में लेकर आते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चंद्र मंगल मिल जाएंगे और इस ईंट को तिजोरी में रख दीजिएगा, आनंद आ जाएगा, सारी जिंदगी आप लाभ ही लाभ कमाएंगे। और जो लोग नहीं खरीद सकते चांदी की ईंट, कम से कम अपने घर में चावल ही ले आकर रख दें तो भी काम चलेगा। और अगर ये चांदी की ईंट या चांदी अगर आपकी माता जी, आपकी दादी या आपकी नानी आपको देती हैं, तो फिर कहने क्या। तो दशम भाव में ये मालामाल योग, ये महाभाग्य योग, ये महालक्ष्मी योग बनेगा तो बहुत ही अच्छा शुभ फल कन्या राशि वालों को मिलेगा। बंद दरवाजे खुल जाएंगे, कड़ी मेहनत से आपका सपना, आपका भाग्य जाग उठेगा। आप जो भी चाहते हैं, जो भी ऊंचाइयां चाहते हैं जीवन में, वो ऊंचाइयां प्राप्त कर लेंगे। आप जो भी सफलता चाहते हैं, वो सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपके अंदर शानदार रणनीति बनाने की योजनाएं होंगी, अच्छी प्लानिंग होगी, और कैसे आगे बढ़कर सफलता पाई जाए, कैसे दुनिया के
मुंह से अपनी सफलता को छीन लिया जाए वो काबिलियत भी होगी। अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको उच्च पद, उच्च प्रमोशन मिल सकती है, आपको ट्रांसफर हो सकता है, भले अभी ट्रांसफर के लिए आपको ना बोला जाए लेकिन कागज में साइन हो जाए कि हाँ भाई इनका ट्रांसफर होना है। आपके बॉस आपकी बात सुनेंगे। जिनके पास काम नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जल्द ही अपने प्रयासों में सफल होंगे। अब घर बैठे रहेंगे, प्रयास नहीं करेंगे तो फिर सब बेकार है। आप सभी को अपने इशारों पर नचाएंगे, उंगलियों पर नचाएंगे, यानी रौब दिखाएंगे, यानी किसी के नीचे दबकर काम नहीं करेंगे। कोई आपसे कहेगा ये काम कर दो तो शायद आप ना करें, लेकिन आप दूसरों से काम करवा लेंगे। आपकी पांचों उंगलियों के नीचे आप अपने एम्प्लॉई को रखना चाहेंगे। तो रौब उतना ही दिखाइएगा जितना जायज हो, कई बार जरूरत से ज्यादा रौब भी नुकसान दे देता है। आप भाइयों से अच्छे बातचीत करेंगे, आपकी योजनाएं सफल होंगी, नए रास्ते आमदनी के खुलेंगे, दो चार नए दिमाग में आइडिया आ जाएंगे कि अरे ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, ये काम बंद हो गया तो क्या हुआ, ये काम तो नया चालू हो सकता है। आपकी तरक्की होगी, आपके काम बदलेंगे, आपके काम में बदलाव आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है नौकरी बदल जाए, हो सकता है काम बदल जाए। आपके कार्य क्षेत्र में आपके दुश्मन भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन दुश्मन का काम है परेशान करना, और आपके ग्रह सितारे दुश्मन को परास्त कर देंगे। आपकी तरक्की से लोग जलेंगे, आपकी राह में रोड़े अटकाएंगे, कोई बात नहीं, उनको अपना काम करने दीजिए। आप सिर्फ सफलता को देखिए। मंगल और चंद्रमा दोनों मिलकर जितने भी दुश्मन हैं, जितने भी शत्रु हैं, उनकी पिटाई कर देंगे। इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए कोई प्रयास करना चाहते हैं, कोई फॉर्म भरना चाहते हैं, कहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, बढ़िया समय है। आप बहुत ही माहिर इंसान होंगे, बहुत ही दिमागदार होंगे, आगे बढ़ेंगे, सफलता पाएंगे, दूसरों की सलाह मानेंगे तो और अच्छी सफलता मिलेगी। आप जितना धन कमाना चाहते हैं कमाइए, कोई रोक नहीं रहा है, काम करते जाइए, पैसा आता जाएगा या फिर पैसा कमाने के रास्ते खुलते चले जाएंगे। आप पैसा कमाने के चक्कर में या कहें काम के चक्कर में इतने मस्त हो जाएंगे कि परिवार वालों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर परिवार वालों से शिकायत मिल सकती है। विवाह हो गया है या प्रेम संबंध में है तो अपने प्रीतम को या जीवन साथी को खुश रखिए, थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिताएं। मित्रों का भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ लोग बहुत टेंशन में होंगे कि मेरा परिवार कैसे चलेगा, पैसा कैसे आएगा, बच्चों की फीस कैसे जाएगी, गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कैसे जाएगी, काम तो बंद हो रखे हैं, काम में कमाई कम हो रखी है, तो चिंता नहीं करनी है। इन तीन दिनों में खूब दिमाग लगाइए, पॉजिटिव सोचिए, कुछ ना कुछ रास्ता ईश्वर आपको दिखा देंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हैं तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में तनाव हो जाए, थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाए, बहसबाजी हो जाए, शत्रु भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा दे, तो अपने चंद्रमा को और अपने मंगल को हमें मजबूत करना होगा, उसके उपाय बताऊंगा। मौसमी फल खाइए, अच्छा खाना खाइए, सात्विक भोजन खाइए, आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, संघर्ष में सफलता है, दिमाग लगाइए, शारीरिक मेहनत करिए, दिमागी मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। आप अपने पुरुषार्थ से यानी अपनी मेहनत से, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, धन से अमीर हो जाएंगे, यानी मेहनत करेंगे, ताकत लगाएंगे, अमीर हो जाएंगे। बुद्धि से बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है। देखिए, अपनी पत्नी का सहयोग लीजिए, अपने मित्रों का सहयोग लीजिए, अपने प्रियतम का सपोर्ट लीजिए, माता जी का आशीर्वाद लीजिए, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा। आपके भाई आपको कोई सलाह दे तो मान लीजिएगा। हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रात को दूध नहीं पीना है, दूध और चावल का दान कर सकते हैं, हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, इससे आपके खराब चंद्रमा को भी बल मिलेगा और उसके नेगेटिव रिजल्ट समाप्त हो जाएंगे। शहद खा सकते हैं, शहद की क्वांटिटी घर में बढ़ा सकते हैं, मैंने कहा चांदी की ईंट ला सकते हैं, प्योर चांदी की, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इतना कर लें कन्या राशि वाले, निश्चित तौर पर आपके लिए सफलता आ रही है। इसके साथ साथ जीवन में और तरक्की पाने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली की विवेचना करानी चाहिए। आप क्या लिखवा कर आए हैं, ईश्वर ने क्या लिखा है और आप क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने लिखा है कि आपको करोड़पति होना चाहिए, लेकिन आप वो काम ही नहीं कर रहे हैं जिससे आप करोड़पति बने, और दोष किस्मत को दे रहे हैं, है ना जी। हो सकता है कि आपको ये काम जो आप कर रहे हैं इसमें उतनी सफलता ना मिले, जो सही काम आप नहीं कर रहे हैं वो करके आपको सफलता मिले। हो सकता है कि आपकी शादी ना हो रही हो सकता है, बच्चे ना हो रहे हो,
तो क्यों नहीं हो रहे हैं, कौन सा ग्रह उसको रोक रहा है, कौन सा शत्रु उसको रोक रहा है, उसका उपाय करेंगे। हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो सकता है पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, तो क्यों जा रहा है, इसका कारण ढूंढेंगे और उसका उपाय करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पैसा है लेकिन टिक नहीं रहा, पैसा है लोग उधार ले जाते हैं वापस नहीं करते, पैसा है चोरी हो जाता है, बहुत कुछ है इस जीवन में, गाड़ी है लेकिन उसका सुख नहीं है, दिन रात काम करते रहते हैं लेकिन उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो ये सब समस्याएं अगर हैं तो उनके साथ जीना छोड़ दीजिए, उनको निपटाइए और एक खुशहाल जीवन जीने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए और अपनी कुंडली की विवेचना कराइए। देखिए जब तक आप अपने ग्रहों को अच्छा नहीं करेंगे तब तक आपको भी रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, ये कटु सत्य है लेकिन सत्य है। हरिओम, नमस्कार।